तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट में बेसिक से करूँगी, ठीक है। आपने मेहंदी बाय करने से लेकर एंड तक मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगी, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। आपने मेहंदी बाय करते वक्त आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेहंदी की टिप जितनी नीट होगी उतनी ही अच्छी आपकी मेहंदी लगेगी। और आपने बाद में भी इसकी केयर इसी तरह करनी है कि मेहंदी के पिन को हड़बड़ी में या जल्दबाजी में नहीं बंद करना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके हाथ का प्रेशर डिसाइड करता है कि आपकी मेहंदी कितनी बारीक और कितनी मोटी हो सकती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक से डिज़ाइंस हैं जिनको आपने अपने हाथ पर या किसी भी मिरर पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यही चंद डिज़ाइन हैं जिनको आगे पीछे करके आप मेहंदी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक और बात मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी, आपने मेहंदी की टिप को जितना हो सके अपनी स्किन के साथ टच मत कीजिएगा। जितना आप स्किन के साथ टच करती हैं उतनी मेहंदी आपकी फैली हुई लगती है, ठीक है। और आपने बार बार अपनी मेहंदी की नोक को वाइप आउट करना है। यहाँ पर मैं टिक्की इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का टिक्की का ये प्रॉब्लम होता है कि उनका सेंटर सही नहीं आता, ठीक है। तो ये गाइडलाइन दी है मैंने एक, आपने इसी को फॉलो करते हुए अपनी टिक्की का स्टार्ट लेना है। यहाँ पर एक और मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करूँगी जो कि अक्सर मैं कभी कभी करती हूँ। आपने क्या करना है कि अगर आपकी मेहंदी मतलब ख़राब है, नहीं निकल रही, ठीक है, पहले तो मैं उसको ठीक करने का तरीका बताती हूँ, फिर उसके बाद उसको वेस्ट ना हो उसके लिए भी मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी। अच्छा, अगर आपकी मेहंदी जैसे चलते चलते स्टक हो गई है, नहीं निकल रही, तो आपने सिंपली क्या करना है, पिन लेके उसको प्रोसेस जो प्रोसेस मैं करूँगी आपने वही रिपीट करना है, ठीक है। और जब भी मेहंदी आप लगा लें तो उसके बाद आपने इसको पिन ज़रूर लगानी है। इसमें कोई लेज़ीपन नहीं दिखाना आपने, क्योंकि उससे क्या होता है मेहंदी ड्राई हो जाती है और स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से वो मेहंदी बेकार जाती है, ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली किसी बाउल के अंदर आपने मेहंदी को कट करना है, मेहंदी निकाल के आपने उसको अपने सर पर अप्लाई करना है। ट्रस्ट मी, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, इसका बहुत अच्छा शेड आता है, चॉकलेट ब्राउन टाइप आता है इसका शेड, और ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। जहाँ तक रही केमिकल्स की बात, तो केमिकल्स तो कलर्स में भी होते हैं, तो बजाय ये लॉजिक के केमिकल्स, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उनको रूट्स पे नहीं अप्लाई करती, सिर्फ अपने बालों की जो लेंथ होती है उन पे अप्लाई कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा सा शेड आ जाता है, एक कलर सा ना, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। है तो ये फजूल सा ही, लेकिन ये ट्राई कीजिएगा, मुझे लगता है कि आप पे ये वर्क करेगा और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। लाइट पर तो कमाल का शेड आता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी टिप्स थी, आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।